याकू, सच्चा विश्वास बहुत से भले काम पैदा करता है। इसमें हम देखेंगे परीक्षा और पाप, पक्षपात का पाप, जीभ एक आग है, संसार के साथ मित्रता, व्यावहारिक निर्देश। याकूब की पत्री शायद नए नियम की सबसे पहले लिखी गई पुस्तकों में से एक है। यह शायद पिंतेकुस के 16 और 17 साल बाद लिखी गई थी। ये पत्री सभी सुसमाचारों से पहले लिखी गई थी। अगर ये नई वाचा की पहली पुस्तक है तो ये देखना दिलचस्प लगता है कि याकूब इस बात पर जोर देता है कि सच्चा विश्वास भले काम पैदा करता है। यहूदी मसीहों के लिए ये एक नया संदेश था। उद्धार विश्वास से है, व्यवस्था के कामों से नहीं। और इसके बारे में जैसे गलतफहमियां उस समय पैदा हो गई थी, वैसे ही आज भी है। उनके विचार में विश्वास एक बौद्धिक बात थी और जब तक उनका यीशु में भरोसा था तब तक वे कुछ भी करने के लिए आजाद थे। इसलिए याकूब ने इस भूल को सुधारने के लिए ये पत्री लिखी थी और इस वजह से ही ये पत्री आज भी ऐसे मसीहों के लिए प्रासंगिक है जो इसी भूल में पड़े हैं। अध्याय एक में याकूब विश्वास द्वारा प्रलोभनों पर जय पाने के बारे में बात करता है जिससे कि हम पाप न करें। अध्याय दो में वह बताता है कि विश्वास हमारे अंदर सब मनुष्यों के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है ताकि हम कलीसिया में धनवान और शक्तिशाली लोगों का पक्ष लेने वाले न बन जाए। अध्याय तीन में वह कहता है कि विश्वास हमें अपनी जीभ को वश में रखने वाला बनाता है और चार और पांच में याकूब कहता है कि विश्वास हमें संसार की आत्मा से अलग करता है और हमारे जीवन में शुद्धता और संयम लाता है। याकूब का मुख्य बोझ ये सिखाना है कि सच्चा विश्वास हमेशा विश्वास के काम पैदा करेगा, वरना जिसे आप विश्वास कह रहे हैं वह एक जालसाजी भरी नकल है। विश्वास मुद्रा की तरह होता है, नकली मुद्रा होती है और असली मुद्रा होती है। अगर आपने कठोर परिश्रम किया हो और आपको उसका भुगतान बहुत सारे 2000 रुपए की मुद्रा में किया गया हो तो आप सोच सकते हैं कि आप धनवान हो गए हैं। लेकिन जब आप बैंक में उन्हें जमा करने जाते हैं और आपको ये बताया जाता है कि वे सब नकली हैं, तब आपको ये समझ आता है कि आपके साथ धोखा हुआ है। आपके विश्वास के साथ भी ऐसा हो सकता है। एक नकली विश्वास आपको नर्क में पहुंचा सकता है। इसलिए अपने विश्वास को परख लेना बहुत जरूरी होता है। याकूब की पत्री आपके ये परख करने में बड़ी मदद करेगी कि आपका विश्वास असली है या नहीं। वो ये कहते हुए शुरुआत करता है, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। पहला अध्याय 2 और 3। अगर आपका विश्वास असली होगा तो परीक्षाओं का सामना होने पर आप आनंदित होंगे। ये ऐसा ही है जैसे कि मानो 1000 रुपए के नोट को ये परख करने के लिए स्कैन मशीन में रखना कि वह असली है या नकली। आपको इससे डरने की क्या जरूरत है? अगर आपका विश्वास नकली है तो क्या ये अच्छा नहीं कि उसके बारे में हमें मसीह के न्यायसन के सामने नहीं बल्कि अभी पता चल जाए? इसलिए ये अच्छा है कि परमेश्वर यही आपके सामने कोई परीक्षा लाए कि आप ये जान सके कि आपका विश्वास असली है या नकली। इसलिए आनंद मनाए। अगर आप एक घर का निर्माण कर रहे हो तो क्या ये अच्छा न होगा कि उसको पूरा होने के पहले ही उसकी बुनियाद डालते समय ही भूकंप आ जाए? तब अगर उसकी बुनियाद हिल गई होगी तो आप उसको मजबूत कर सकेंगे। इसी तरह मसीह जीवन के आरंभ से ही परीक्षाओं में से गुजरना अच्छा है। आप ये कह सकते हैं, मैं प्रभु पे भरोसा रखता हूं। लेकिन जब आप थोड़ी आर्थिक कठिनाई में पड़ जाते हैं तो आप चिंता और शिकायत करना शुरू कर देते हैं। ये हो सकता है कि आप बीमार हो गए हो और आप परमेश्वर से सवाल करने लग जाए, या मनुष्य आपका विरोध करने लगे और आप निरुत्साहित होकर अपना विश्वास खो देंगे। ये सभी परीक्षाएं आपके सामने ये प्रमाणित कर देंगी
कि आपका विश्वास वास्तव में असली नहीं है। इसके अतिरिक्त परीक्षाएं हमारे जीवन में धीरज का भी गुण पैदा करती है। हमने इब्रानियों में यह देखा था कि विश्वास और धीरज साथ साथ रहते हैं। ये हमारे दो पैरों जैसे हैं। विश्वास के साथ हमें हमेशा संयम धीरज की जरूरत होती है। अगर हम धीरज को उसका काम पूरा करने देंगे तो वह हमें पूर्ण और सिद्ध बना देगा और हमें किसी बात की कमी न होगी। 1:4 इस लक्ष्य पर विचार करें, पूर्ण और सिद्ध, जिसमें किसी बात की कमी नहीं। क्या आप वहां पहुंचना चाहते हैं? उसका रास्ता परीक्षाओं में से है। वहां पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं है। हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, इसलिए हमें अभी कुछ और परीक्षाओं में से गुजरने की जरूरत है। अगर मैंने अपने जीवन में कुछ आत्मिक मूल्य प्राप्त किए हैं, तो वह उन परीक्षाओं के द्वारा है जिनमें से प्रभु मुझे लेकर गुजरा है। लेकिन मुझे सिद्ध, पूर्ण और किसी बात की कमी न होने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभी और बहुत सी परीक्षाओं में से गुजरना होगा। ये हम में से हर एक के लिए परमेश्वर द्वारा तय किया गया लक्ष्य है। अगर किसी परीक्षा द्वारा आपको ये मालूम पड़े कि आपका विश्वास असली नहीं है, तो निराश न हो। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने आपको वो दिखाया और तब आप उससे असली विश्वास के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर आपको वो विश्वास देगा। हमारी परीक्षाओं में हमें सबसे ज्यादा बुद्धि की जरूरत होती है, इसलिए हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी चाहिए। ये हो सकता है कि कोई आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, तब ये जानने के लिए आपको बुद्धि की जरूरत होगी कि आप एक ईश्वरीय तरीके से उसे कैसे जवाब दे सकते हैं। शायद सुसमाचार के शत्रु आपको सता रहे हैं, वहां भी आपको बुद्धि की जरूरत होगी। उसके लिए प्रार्थना करें। यहां एक उत्साहित करने वाला वचन है, बुद्धि मांगने के लिए परमेश्वर आपकी उलाहना नहीं करेगा। 1:5 लिविंग बाइबल। हमारे निष्फल होने पर हमारे माता पिता और शिक्षकों ने हमें बहुत बार डांटा होगा, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं डांटेगा। वह हमारी भूल सुधारेगा, लेकिन वह हमें कभी नहीं डांटेगा। ये जानकर हमें बड़ा उत्साह मिलता है। एक ईश्वरीय पिता अपने बच्चों को सुधारता है, लेकिन वह उन्हें कभी डांटता नहीं है। हम सिर्फ उन लोगों को डांटते हैं जिन्हें हम तुच्छ, मूर्ख, मंदबुद्धि या बेढंगे समझते हैं, लेकिन परमेश्वर किसी को तुच्छ नहीं समझता। वह कहेगा, मेरे बेटे, तूने जो किया है वह गलत है, लेकिन मैं तुझे सिखाऊंगा और तुझे बुद्धि दूंगा कि अगली बार तू उसे सही तरह कर सके। ये परमेश्वर का तरीका है, हमेशा धीरज और कृपा के साथ। इसलिए अगर अगली बार जब आपके पास किसी परिस्थिति से निपटने के लिए बुद्धि न हो, तो परमेश्वर के पास जाए और उसे मांगे। वह आपको देगा, लेकिन इसमें एक शर्त है, आपको विश्वास से मांगना होगा। विश्वास की मेरी व्याख्या ये है, विश्वास ये मानना है कि परमेश्वर ने मुझसे जो प्रतिज्ञा की है उसे ग्रहण करने के लिए मैं जितना उत्सुक हूं, परमेश्वर उसे देने के लिए उससे ज्यादा उत्सुक है। इसलिए ये विश्वास करें कि परमेश्वर आपको बुद्धि देने के लिए उत्सुक है। अगर आप विश्वास से नहीं मानते, तो याकूब कहता है कि आप समुद्र की लहरों की तरह है जो हवा में उठती है और उछलती है। क्या आपने समुद्र के किनारे पर लहर को आते हुए और फिर लौटते हुए और फिर वापस आते हुए देखा है? एक विश्वासहीन व्यक्ति ऐसा ही होता है। वो एक पल के लिए परमेश्वर में भरोसा रखता है, फिर अगले पल में अपना विश्वास खो देता है। अगर आप परमेश्वर से मांगे और फिर ये कल्पना करने लगे, हाँ वो मुझे बुद्धि देगा, नहीं वो मुझे बुद्धि नहीं देगा, और इस तरह आप कभी हाँ और कभी ना करते रहेंगे, तो आपको बुद्धि नहीं मिलेगी। जिनमें विश्वास नहीं है, परमेश्वर का वचन उनसे क्या प्रतिज्ञा करता है? उसे परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। 1:7
उसे क्षमा नहीं मिलेगी, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलेगा, प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा और न ही ईश्वरीयता या परमेश्वर की आत्मिक भरपूरी में से भी कुछ नहीं मिलेगा। याकूब कहता है कि ऐसा व्यक्ति अस्थिर और दुचित्ता है। याकूब फिर एक ऐसे गरीब भाई की बात करता है जिसमें विश्वास है। उसके पास हालांकि इस संसार की ज्यादा भौतिक वस्तुएं न होंगी, फिर भी उसका विश्वास उसे इस योग्य बनाएगा कि वह मसीह में अपने उच्च पद का आनंद मना सके। 1:9, वह अपने आसपास के धनवान विश्वासियों से ईर्ष्या नहीं करेगा और न ही दया का पात्र बनकर उनमें से किसी से सहानुभूति की अपेक्षा करेगा। वह जानेगा कि वह राजा का बेटा है और उसका असली धन स्वर्ग में है और इसलिए उसकी एक गरिमा होगी। सच्चे विश्वास वाले एक गरीब भाई की ऐसी सोच होगी। इसी तरह एक विश्वास वाला धनवान भाई अपनी सारी धन संपत्ति को देखेगा और कहेगा, ये सब घास के फूल की तरह मिट जाएगा। 1:10, ये एक दिन है और दूसरे दिन न होगा। अगर एक धनवान व्यक्ति अपनी सांसारिक धन संपत्ति के लिए जिएगा तो एक दिन वह भी अपनी सारी धन संपत्ति के साथ मिट जाएगा, लेकिन अगर वह अपने सांसारिक संपत्ति के बजाय परमेश्वर के राज्य के लिए जिएगा तो वह उसके सांसारिक संपत्ति के मिट जाने के बाद भी बना रहेगा। प्रलोभन और पाप। फिर याकूब प्रलोभन और पाप के बारे में बात करता है। उसने पहले जिन परीक्षाओं की बात की थी वह हमारे जीवन की कठिनाइयों के बारे में थी, अब वह पाप करने के प्रलोभन के बारे में बात करता है। वह कहता है कि अगर हम प्रलोभनों पर जय पाएंगे तो एक दिन परमेश्वर से जीवन का मुकुट पाएंगे। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वह उन सब से यह प्रतिज्ञा करता है। इससे हम ये सीखते हैं कि अगर हम प्रभु से प्रेम करेंगे तो हम पाप करने की सारी परीक्षाओं से संघर्ष करेंगे। जब आपके सामने कोई परीक्षा आए तो ये ना पूछे, हे प्रभु, तूने मेरी ओर यह प्रलोभन क्यों भेजा है? वो परमेश्वर ने नहीं भेजा है। परमेश्वर कभी किसी को प्रलोभित नहीं करता। कोई भी व्यक्ति परीक्षा के समय ये न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से है। 1:13, तब आपकी परीक्षा कौन कर रहा है? शैतान आपके शरीर की लालसाओं द्वारा आपको प्रलोभित कर रहा है। हम सब क्योंकि बचपन से ही अपनी शारीरिक लालसाओं को पूरा करते आए हैं, इसलिए शैतान उन लालसाओं द्वारा हमें परीक्षा में डाल सकता है। जब एक देश युद्ध कर रहा होता है तो शत्रु गुप्त रूप में अपने जासूसों को उस देश में भेजता है कि वे उसके भीतर से उसका नाश करें। शत्रु दो मोर्चों पर युद्ध करता है, सीमा के मोर्चे पर और भीतर अपने जासूसों द्वारा। शैतान भी ऐसा ही करता है। हमें अपने भीतर शैतान के जासूसों को पहचानने की जरूरत है। हमारे शरीर में बसी पापमय लालसाएं जो शैतान की ओर से है और फिर उन्हें मौत के हवाले करने की जरूरत है। अगर हम भीतर मौजूद शत्रु के जासूसों को खत्म कर देंगे तो हम बाहरी मोर्चे पर उससे युद्ध करने के लिए मजबूत हो जाएंगे। जब आपका मन एक गलत लालसा के साथ सहमत हो जाता है तब आप पाप करते हैं। उससे पहले तक वह विचार आपके मन में एक प्रलोभन के रूप में ही रहता है। जैसे अगर आप सड़क पर चलते जा रहे हो और आप कुछ ऐसा देखते हैं जो आपको प्रलोभित करता है, वह पाप नहीं है, वह प्रलोभन है। लेकिन आप जब उसे दोबारा देखते हैं तब आप पाप करते हैं। पहली बार देखना प्रलोभन है, दूसरी बार देखना पाप है। हम पहली बार देखने से नहीं बच सकते क्योंकि हम ऐसे संसार में रहते हैं जिसमें हमारे आसपास बुराई भरी हुई है, लेकिन हम ये फैसला कर सकते हैं कि हम उस बुराई के साथ सहमत है या नहीं। ये एक बच्चे के गर्भ में आने जैसी बात है। वो उदाहरण
जो पवित्र आत्मा ने यहाँ इस्तेमाल किया है। जब आपका मन आपकी देह की गलत लालसा के साथ सहमत हो जाता है, तो ये एक स्त्री द्वारा उसकी देह को लैंगिक संभोग के लिए एक पुरुष को सौंपने समान है। फिर गर्भधारण होता है। लेकिन अगर स्त्री अपने आप को पुरुष को नहीं सौंपती, तो गर्भधारण नहीं होता। ऐसे ही अगर आप प्रलोभित होने से इनकार कर देंगे और आपके मन को उस गलत लालसा के साथ सहमत नहीं होने देंगे, तो कोई पाप नहीं होगा। किसी ने कहा है, आप चिड़ियों को अपने ऊपर से उड़कर जाने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप उसे अपने सिर में घोंसला बनाने से जरूर रोक सकते हैं। आपके सिर पर से उड़कर जाने वाली चिड़िया प्रलोभन है। बहुत से गलत विचार जो आपके मन में आते हैं, अगर आप उन्हें तुरंत अस्वीकार कर देंगे, तो कोई पाप नहीं होगा। लेकिन अगर आप उन बुरे विचारों का कुछ पलों के लिए भी मजा लेंगे, तो फिर आपने चिड़ियों को अपने मन में घोंसला बनाने की अनुमति दे दी है। तब आपने पाप कर दिया है। शैतान ने भी यीशु के मन में विचार डालने द्वारा जंगल में उसे प्रलोभित किया था, लेकिन यीशु ने उन्हें हर बार अस्वीकार कर दिया था, और इसलिए उसने कोई पाप नहीं किया था। अगर आपके मन में निरंतर विचार आते रहते हैं, तो निराश न हो जाए, वे सिर्फ प्रलोभन है। लेकिन जब आप उन विचारों में आनंद मनाने लगते हैं और उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, तब वे पाप बन जाते हैं। इस बात में हम बड़ी आजादी महसूस कर सकते हैं कि पाप सिर्फ गर्भधारण के बाद ही जन्म लेता है। अगर गर्भधारण नहीं होगा, तो कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। पाप का अंतिम परिणाम आत्मिक मृत्यु है। 1:15 और इसमें हमें धोखा नहीं खाना है। 1:16 अगले पद में हमें याद दिलाया गया है कि प्रत्येक अच्छी वस्तु और उत्तम दान तो ऊपर ही से हमारे स्वर्गीय पिता की ओर से है। 1:17 इसलिए पाप पर जय हमारे भीतर से कभी नहीं आ सकती। उसका आना ऊपर से ही होगा, पिता की ओर से पवित्र आत्मा द्वारा आने वाली मदद। हमें पिता से जय पाने के लिए कृपा मांगनी चाहिए। परमेश्वर जो कुछ भी देता है, वह सिद्ध होता है, क्योंकि वह कभी नहीं बदलता। परमेश्वर ने हमें जगत में भेजा ताकि उसके सृष्टि के बीच पहला फल यानी एक उदाहरण बने हमारे लिए। क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए प्रलोभनों पर प्रबल होने में वह हमारी जरूर मदद करेगा, ताकि हम उसके सारे सृष्टि के लिए एक उदाहरण बन सके। इसलिए ये कभी न सोचे कि परमेश्वर पाप पर जय पाने में आपकी मदद नहीं करेगा। वह जरूर मदद करेगा। आप उसके सृष्टि का पहला फल है। आपको सारी सृष्टि के लिए एक उदाहरण होना है। परमेश्वर आपकी जरूर मदद करेगा। फिर याकूब हमारी बोली बातचीत के बारे में बात करता है। प्रत्येक व्यक्ति सुनने में तत्पर, लेकिन बोलने में धीरजवंत हो। 1:19 अधिकांश मनुष्य इससे विपरीत होते हैं। सुनने में धीमे, बोलने में तत्पर और गुस्सा करने में तत्पर। इस पद में गुस्से पर काबू करने के लिए पहला कदम दिया गया है। जब लोग बोले, तो पहले उनकी बात को धीरज से सुनना सीखे। उन्हें बीच में न रोके, उनके बोलने के बाद उन्हें अपना मत बताए। जब हम बोलने में धीमे होंगे, तब हम गुस्सा करने में भी धीमे होंगे। गुस्से से आजाद होने के लिए इस नुस्खे को आजमा कर देखिए। याकूब आगे कहता है कि अगर हम गुस्सा करने वाले होंगे, तो हम परमेश्वर के उद्देश्य पूरे करने की अपेक्षा नहीं कर सकते। गुस्सा कभी परमेश्वर की धार्मिकता हासिल नहीं कर सकता। परमेश्वर की महिमा में दिलचस्पी रखने से ही परमेश्वर की धार्मिकता हासिल की जा सकती है। 1:21 में हमें सारी गंदगी और दुष्टता को दूर करने के लिए उत्साहित किया गया है। सारी गंदगी दूर करने के बाद भी
निचले भाग में कुछ दुष्टता बची रह जाएगी। जब आप अपनी कॉफी पी लेते हैं और कप को उलट कर देखते हैं तो उसमें कुछ दाग तलछट रह जाती है। पाप ऐसा ही होता है। आप ये कल्पना कर सकते हैं कि आपने अपने सारे पापों का अंगीकार कर लिया है, लेकिन आप जैसे जैसे प्रभु की नजदीकी में बढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपके अंदर ऐसा और पाप है जिस पर आपने पहले ध्यान ही नहीं दिया था। ये घोषणा करने में जल्दबाजी न करें कि आप अपने सारे पाप का अंगीकार कर चुके हैं। परमेश्वर से कहे कि वह आपको दिखाए, तब परमेश्वर जो कहता है उसे नम्रता पूर्वक ग्रहण कर ले और वह आपके जीव को बचाएगा। 1:21। जब परमेश्वर हमसे बात करे तो हमें तुरंत आज्ञा पालन करना चाहिए, वरना याकूब कहता है कि आप ऐसे व्यक्ति की तरह होंगे जिसने अपने मुंह पर कुछ गंदगी देखी और उसे साफ नहीं किया। परमेश्वर का वचन एक दर्पण की तरह है जो हमें हमारे हृदय की दशा दिखाता है। परमेश्वर के वचन में आपने क्या पढ़ा या सभा में आपने क्या सुना, जाने के बाद वो भूल न जाए। हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर का वचन एक्सरे या स्कैन की तरह है जो हमारी भीतरी दशा की सच्चाई दिखाता है, और जब परमेश्वर आपको कुछ दिखाए तो उसे तुरंत सही कर ले। परमेश्वर का वचन आजादी की सिद्ध व्यवस्था है जो हमें मुक्त कर सकती है। 1:25। फिर पवित्र आत्मा हमारे सामने एक ऐसा चुनौती भरा शब्द रखता है जिससे हर एक उस व्यक्ति को अपना मूल्यमापन करना चाहिए जो अपने आप को आत्मिक समझता है। जो भी अपने आप को एक ईश्वरीय भक्त समझता है और अपनी जीभ को वश में नहीं रखता, वह अपने आप को धोखा देता है। 1:26। इस पद को अपने पूरे जीवन भर याद रखें। अगर आप अपनी जीभ को वश में नहीं रख सकते तो आपकी मसीहत का मूल्य शून्य है। अगर आप अपनी जबान को वश में नहीं रखते तो आपके द्वारा प्रभु के लिए किए गए सारे काम का मूल्य शून्य है। अगर हम ये दावा करते हैं कि हम विश्वासी हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी जीभ को वश में रखें। अधिकांश विश्वासियों के साक्षी बहुत खराब है क्योंकि वे अपनी जीभ को उनके वश में नहीं रख पाते। वे किसी को फायदा पहुंचाने वाली अच्छी बात भी बुरी तरह से बोलते हैं। आपकी ये वृत्ति हो सकती है कि जैसे ही आपको किसी में कोई कमी नजर आए आप फौरन उसकी तरफ उंगली उठाए। मैंने देखा है कि अगर मैंने अपने किसी संदेश में कोई तथ्य संबंधी भूल कर दी होगी तो सभा पूरी होने पर कोई मेरे पास आकर उस बात के बारे में बताता है जिसके तथ्य में गलती है, लेकिन वो संदेश में से उसे मिली आशीष के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलता। ये आदम का स्वभाव है। आदम की जैसे ही परमेश्वर से संगति टूटी तो उसे तुरंत अपनी पत्नी में कुछ कमी नजर आने लगी थी। आदम का स्वभाव सराहना करना नहीं, कमी ढूंढना है। अगर आप पवित्र आत्मा को यह स्वभाव बदलने नहीं देंगे तो परमेश्वर के लिए आपकी उपयोगिता भी शून्य हो जाएगी। पवित्र आत्मा से कहे कि वह आपके जीभ को उसके वश में रखे। 1:27 हमें बताता है कि सच्ची मसीहत सिर्फ सभाओं में हाजिर रहना और बाइबल अध्ययन करना नहीं होती, वह एक तीव्र रूप में व्यावहारिक होती है। इसमें कलीसिया में अनाथों और विधवाओं जैसे जरूरतमंद लोगों की देखभाल करनी होती है। अगर कोई विधवा या अनाथ धनवान है तो आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन गरीब और असहाय लोगों की मदद करना सच्ची मसीहत का मुख्य भाग है। परमेश्वर का एक सच्चा सेवक धनवानों के बजाय निर्धनों की सेवा करना चाहेगा। वह धनवान कलीसियाओं से ज्यादा निर्धन कलीसियाओं की भेंट करना चाहेगा। वह शहर की कलीसियाओं से ज्यादा गांव की कलीसियाओं में जाना चाहेगा। वह ऐसे लोगों से मुलाकात करना नहीं चाहेगा
जो उसे भेंट या उपहार देते हैं, बल्कि उनसे मिलेगा जो उसे कुछ नहीं दे सकते। वह धनवान भाइयों की अपेक्षा निर्धन भाइयों से मिलना पसंद करता है। वह बड़े और सामर्थ्य लोगों के बजाय निर्धन और दीन ही लोगों के साथ संगति करना चाहता है। लेकिन क्या आज मसीह सेवकों में हमें ये बातें नजर आती हैं? ऐसा कहीं दुर्लभ ही देखा जा सकता है। आज प्रभु के बहुत कम सच्चे सेवक हैं, लेकिन आप स्वयं ऐसे बन सकते हैं। कलीसिया में जो कमजोर और गरीब है, आप ये फैसला कर सकते हैं कि अपना ध्यान उनकी सेवा करने पर लगाएंगे। इसके साथ ही अपने आप को संसार से निर्दोष और निष्कलंक रखें। ये सच्ची मसीहत का सार है। पक्षपात का पाप। 2:1 में याकूब धनवान लोगों के प्रति पक्षपात होने की बात जारी रखता है। आज लगभग सभी कलीसियाओं में यह एक बड़ी समस्या है। एक पास्टर क्योंकि अपनी मंडली से आर्थिक सहायता चाहता है, इसलिए वह अपना वेतन पाने के लिए धनवान लोगों को प्रसन्न रखना चाहता है। ऐसा पास्टर एक दुष्ट व्यक्ति है, 2:4, और इसलिए वह कलीसिया की अगुवाई करने योग्य नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो निर्धनों को तुच्छ जानता है, वह एक ऐसे सांसारिक व्यक्ति की ही तरह है जो धनवानों का पक्ष लेता है। मेरी युवावस्था में जब मैं सभी धर्म मतों की विभिन्न कलीसियाओं में जाता था, तो मैंने देखा कि सिर्फ धनवान और प्रभावशाली लोग ही उनके कार्यकारी समितियों के सदस्य थे। ये इसलिए नहीं था क्योंकि वे आत्मिक थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे समाज के जाने माने लोग थे। उन्हें कलीसिया में मान सम्मान दिया गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसा यहाँ लिखा है। आप यहाँ इस अच्छे जगह पर बैठिए, कार्यकारी समिति के सदस्य के पद पर बैठिए। और वे निर्धन व्यक्ति से कहते हैं, तू कार्यकारी समिति के सदस्य की जगह पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि तू न तो धनवान है और न ही प्रभावशाली है। ये हो सकता है कि तू आत्मिक है, लेकिन हमारे लिए उसका कोई मूल्य नहीं है। 2:2-3, ऐसे पास्टर कैसे कलीसियाओं का निर्माण कर सकते हैं? सिर्फ सांसारिक संस्थाओं का। यकीनन ये यीशु मसीह की कलीसिया नहीं है, उसकी जिसमें कोई पक्षपात नहीं है और जो निर्धनों का मित्र है। परमेश्वर ने निर्धनों को विश्वास में धनवान होने के लिए और स्वर्ग के राज्य के उत्तराधिकारी होने के लिए चुना है। 2:5, जब किसी कलीसिया में निर्धनों का अपमान होता है, तो ये एक बड़े शर्म की बात होती है। सामान्यतः कार्यकारी समिति के धनवान सदस्य ही अपमानित होते हैं और कलीसिया को अदालतों में घसीट ले जाते हैं। सिर्फ धनवान लोग ही लोगों को अदालतों में घसीट ले जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए सिर्फ उनके पास ही पैसा होता है। निर्धन लोगों के पास वकीलों की फीस देने के लिए पैसा नहीं होता। धनवान ही यीशु के नाम की निंदा करते हैं। 2:6-7, अगर आप दूसरों से अपने समान प्रेम करेंगे जैसे आज्ञा पवित्र शास्त्र देता है, तो आप कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे। 2:8-9, जो लोग कहीं भी पक्षपात करते हैं, चाहे घर में अपने बच्चों के साथ या कलीसिया में लोगों के साथ, तो वे गंभीर पाप करते हैं। आप दूसरे क्षेत्रों में शुद्धता का जीवन बिताने द्वारा इसकी भरपाई नहीं कर सकते। 2:11, आप फिर भी पापी है, क्योंकि पक्षपात ऐसा ही पाप है जैसे व्यभिचार और हत्या। लेकिन ज्यादातर विश्वासी इसे इस तरह नहीं देखते। आप उस भाई के बारे में क्या सोचेंगे जिसने व्यभिचार या हत्या की है? धनवानों का पक्ष लेने वाला विश्वासी भी ऐसा ही पाप करता है। 2:12-13 में पवित्र आत्मा हमें एक और ऐसे ही पाप के खिलाफ चेतावनी देता है, निर्दयी होकर दूसरों का न्याय करने का पाप। जो दूसरों के प्रति निर्दयी है किसी भी कारण से,
वे ये पाएंगे कि अंतिम दिन जब परमेश्वर उनका न्याय करेगा तब वो भी उन पर कोई दया नहीं करेगा। जब लोग हमें पीड़ा पहुंचाएंगे तो विश्वासियों के रूप में हम अपने अंदर से आने वाली दो आवाजें सुनेंगे, इसका न्याय कर और इस पर दया कर। कौन सी आवाज प्रबल रहेगी? दया की आवाज को हमेशा न्याय की आवाज पर प्रबल होना चाहिए। दूसरा अध्याय 14 से 26 में हमें बताया गया है कि सच्चा विश्वास हमेशा ऐसा मनोभाव उत्पन्न करेगा जो भौतिक आवश्यकताओं में पड़े लोगों की मदद करने की ओर प्रवृत्त रहेगा। अगर आप किसी ऐसे भाई को देखें जिसे खाने और कपड़े की जरूरत है और आप उसकी कोई मदद न करें तो आपका विश्वास व्यर्थ है। ध्यान दें कि ये उस भाई के लिए एक कार या स्कूटर खरीदने की बात नहीं है, वह सिर्फ खाने और कपड़े की बात कर रहा है, जीवन की मूल आवश्यकता है। हमें एक भाई की इस तरह मदद नहीं करनी है कि वह सुख सुविधाओं में रहने वाला बन जाए। लेकिन अगर एक भाई सर्दी में कांप रहा है या उसके घर में पानी टपक रहा है, लीक हो रहा है और वह रात को चैन से नहीं सो सकता, तो यह कहने का कोई फायदा नहीं है, भाई प्रभु की स्तुति करो, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। वह प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं है, उसे एक कंबल और उसके छत की मरम्मत कराने के लिए कुछ पैसे दे दे। ये सच्ची मसीहत है। अगर आप अपने कामों से अपने विश्वास की पुष्टि नहीं कर रहे हैं तो ये कहने का कोई फायदा नहीं है कि आप विश्वास करते हैं। अब्राहम में विश्वास था, लेकिन उसने अपने पुत्र को अर्पित करने द्वारा अपने विश्वास का सबूत दिया था। 2:21 उसका विश्वास उसके काम द्वारा प्रमाणित हुआ था। अगर आपके अंदर विश्वास है और वह कोई काम पैदा नहीं करता तो ऐसा विश्वास असली विश्वास नहीं है। 2:26 के लिए हम कह सकते हैं कि वह इस पत्रिका केंद्र बिंदु है। जैसे देह आत्मा के बिना मृतक है, वैसे ही विश्वास कामों के बिना मृतक है। मानवीय देह के अंगों की तुलना खरे धर्म सिद्धांत से की जा सकती है और विश्वास की तुलना देह के श्वास से की जा सकती है। विश्वास के काम किए बिना खरे धर्म सिद्धांतों में रखा भरोसा आत्मिक मृत्यु लाता है। जीभ एक आग है। अध्याय 3 बाइबल में जीभ के उपयोग के बारे में एक अद्भुत अध्याय है। नीति वचन की पुस्तक भी हमारी बोली में समझदारी के बारे में बहुत बात करती है। पिंतेकुस्त के दिन लोगों पर आग की जीभ उतरी थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मसीही जगत में हमारी बोली के प्रति सचेत रहने पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता। अगर आप परमेश्वर की सेवा करने के प्रति गंभीर हैं, तो आपको अपनी जीभ को वश में रखने के मामले को बहुत गंभीरता से लेना होगा। अनेक प्रचारकों के पास बोलते समय परमेश्वर के वचन के न होने के मुख्य कारणों में से एक ये है कि वे उनकी जीभ को वश में रखने के क्षेत्र में निष्फल रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के प्रवक्ता होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी प्रतिदिन की आम बातचीत में निकम्मे से अनमोल को निकाल लाना होगा। यिर्मयाह 15:19 अपनी आम बातचीत में अगर आप व्यर्थ बातें बोलेंगे तो पुलपिट में खड़े होते समय आप यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि परमेश्वर आपके द्वारा बोलेगा। एक दूसरा कारण है धन के मामले में विश्वास योग्य न रहना। परमेश्वर अपने वचन में से ऐसे प्रचारकों को सच्चा धन नहीं देता जो धन के मामले में बेईमान होते हैं। लूका 16:11 जीभ घोड़े के मुंह में लगी लगाम की तरह होती है, जिससे उसके सारे शरीर को वश में रख कर किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। 3:3 जिन घोड़ों के मुंह में लगाम नहीं होगी वे यहाँ वहां भागते रहेंगे और कुछ हासिल न कर पाएंगे। सिर्फ वही घोड़े दौड़ में इनाम जीतते हैं
जो अपने मुंह में लगाम लगाने द्वारा स्वयं को वश में करने देते हैं। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के लिए कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो उसे अपने मुंह में रास और लगाम लगाने दे। प्रभु से कह दे कि आप अपनी बातचीत को पूरी तरह उसके वश में दे देना चाहते हैं। जीभ की तुलना एक जहाज की सुकान पतवार से भी की गई है। 3:4 सुकान हर एक नाव या जहाज के पिछले हिस्से में लगी स्टील की एक छोटी प्लेट होती है। जब आप सुकान को एक दिशा में घुमाते हैं, तो जहाज भी उसी दिशा में घूम जाता है। ये छोटा सा धातु का टुकड़ा एक विशाल जहाज की दिशा निर्धारित करता है। आपके जीभ के द्वारा आपकी गतिविधि या बाइबल के ज्ञान की नहीं, बल्कि आपकी आत्मिकता की परख होती है। आप मुझे ये दिखाए कि आप अपनी जीभ का कैसे इस्तेमाल करते हैं, और मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एक आत्मिक व्यक्ति है या नहीं। याकूब ने इन सभी उदाहरणों द्वारा हमें जीभ का महत्व बताया है। ये देह का एक छोटा सा अंग है, लेकिन ये कैसी आग लगा सकता है। 3:5 अनेक विश्वासियों की जीभ नरक कुंड की आग से जलती रहती है। 3:6 जीभ को कोई वश में नहीं कर सकता। 3:7-8 एक सर्कस में बाघ और शेर भी वश में कर लिए जाते हैं। कुछ लोग अपना सिर शेर के मुंह में डाल देते हैं और शेर उनका सिर काटकर अलग नहीं करता, लेकिन जीभ को कोई वश में नहीं कर सकता। इस समस्या का क्या हल है? हमें पवित्र आत्मा से कहना चाहिए कि हम में वह इसे वश में रखे। इस वजह से ही पवित्र आत्मा पेंतेकुस्त के दिन लोगों पर उतरा था। उनके सिरों के ऊपर आग की जीभ आकर ठहर गई थी। इस तरह पवित्र आत्मा ये कह रहा था, इस पल से मैं परमेश्वर की आग द्वारा तेरी जीभ को वश में रखना चाहता हूं। अनेक मसीह को ये बात समझ नहीं आई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पवित्र आत्मा में बपतिस्मा का प्रचार करने वाले अनेक प्रचारक इस बात के लिए लोगों को उत्साहित नहीं करते कि वे उनकी मातृभाषा में नम्र और दीन होकर बोले, बल्कि वे इस बात के लिए ज्यादा उत्सुकता दिखाते हैं कि वे अन्य भाषाओं में बोले। इस वजह से ही अन्य भाषाएं बोलने वालों में अन्य भाषाओं की बहुत सी नकल चल रही है। पवित्र आत्मा ने मेरे स्वर्गीय पिता से एक अज्ञात भाषा में बात करने का जो वरदान मुझे दिया है, उसके लिए मैं उसकी स्तुति करता हूँ। लेकिन इससे बढ़कर उसने मेरी मातृभाषा को मेरे वश में रखने की जो योग्यता मुझे दी है, उसके लिए मैं उसकी और भी ज्यादा स्तुति करता हूँ। इस तरह हम जान सकते हैं कि हमने वास्तव में पवित्र आत्मा पाया है या कोई दूसरी झूठी आत्मा आ गई है। आप इस बात में स्वयं को परख कर देखें। क्या आप अपनी मातृभाषा को अपने वश में रख सकते हैं? अगर नहीं, तो आपने जो भी आत्मा पाई हो उसे अस्वीकार करके परमेश्वर से कहे कि वह आपको पवित्र आत्मा से भर दे। परमेश्वर से कहे कि आप हर समय नम्रता से बात करने की सामर्थ पाना चाहते हैं। सिर्फ पवित्र आत्मा ही जीभ को वश में रख सकता है। आप कलीसियाई सभा में परमेश्वर को धन्य कहने के बाद लोगों को श्राप कैसे दे सकते हैं? 3:9 3:13 में याकूब कहता है, अगर तुम एक समझदार व्यक्ति हो तो अपनी समझदारी नम्रता सहित अपने कामों में प्रकट करो। समझदार और ज्ञानवान पुरुष अपनी समझदारी नम्रता के साथ प्रकट करते हैं। ऐसी दो बातें हैं जो एक समझदार व्यक्ति में कभी नहीं पाई जाएगी, कड़वाहट भरी ईर्ष्या और स्वार्थी महत्वाकांक्षा। 3:14 अगर आप दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, तो आपके पास चाहे बाइबल का कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, आप समझदार नहीं हैं। अगर आपके अंदर स्वार्थी महत्वाकांक्षा है और आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप दूसरों से बेहतर हैं, आप दूसरों से ज्यादा अच्छी प्रार्थना कर सकते हैं,
या दूसरों से ज्यादा अच्छा प्रचार कर सकते हैं, या आपकी कलीसिया दूसरों से ज्यादा अच्छी है, या आप दूसरों से ज्यादा उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, तो आप सांसारिक सोच समझ वाले जैविक और शैतानी व्यक्ति हैं। 3:15। फिर याकूब ने ईर्ष्या और स्वार्थी महत्वाकांक्षा के दोहरे खतरों को दूसरी बार दोहराया है। 3:16। मसीह जगत में बहुत से ईर्ष्या और स्वार्थी महत्वाकांक्षा है। जब परमेश्वर किसी की सेवकाई को आशीष देता है तो दूसरे उससे ईर्ष्या करते हैं और फिर उसकी आलोचना करते हैं। ऐसे लोग दुष्टात्माओं के प्रभाव में होते हैं। एक आत्मिक मन विजाज वाला व्यक्ति तब भी आनंद मनाएगा जब उससे छोटी उम्र के किसी व्यक्ति की सेवकाई उससे ज्यादा आत्मिक होगी। वो परमेश्वर की स्तुति करेगा और कभी ईर्ष्या नहीं करेगा। प्रभु के लिए दूसरे लोग जो कुछ कर रहे हैं, आपकी स्वार्थी महत्वाकांक्षा आपको उनके कामों की सराहना करने से रोकेगी। जब कुछ लोग स्वार्थी उद्देश्यों से प्रभु की सेवा कर रहे थे, पौलुस ने तब भी आनंद मनाया था। फिलिपियों 1:15-18। जब लोग हमसे सहमत नहीं होते तो हमें उनका न्याय करने की जरूरत नहीं होती। परमेश्वर सब मनुष्यों का न्याय है और वह लोगों का न्याय तब तक नहीं करेगा जब तक वे मर नहीं जाते। इब्रानियों 9:27। इसलिए हमें सारा न्याय परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए। जिन गलत धर्म सिद्धांतों का लोग प्रचार करते हैं और जिन तरीकों का वे इस्तेमाल करते हैं जो मसीह समान नहीं है, हम इन बातों में उनसे असहमत हो सकते हैं और उनकी गलतियों का पर्दाफाश भी कर सकते हैं, लेकिन हमें लोगों का न्याय कभी नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि आप किसी की इस बात में आलोचना करें कि वह सही तरह प्रभु की सेवा नहीं कर रहा है, तो आप स्वयं से ये पूछें कि आप प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं। नीति वचन 9:1 बुद्धि के 7 स्तंभों की बात करता है। उन स्तंभों की सूची यहाँ दी गई है। 3:17। पवित्र, मिलनसार, कोमल, विचारशील, करुणामय, अच्छे फल वाला, स्थिर, निष्पक्ष व कपट रहित, ये गुण चिंतन मनन करने योग्य है। जब इनमें से किसी भी गुण की हम में कमी पाई जाए तो हमें 1:5 में प्रार्थना करने और परमेश्वर से मांगने के लिए उत्साहित किया गया है और हमसे ये प्रतिज्ञा की गई है कि परमेश्वर भरपूरी से हमें इन सभी गुणों से संपन्न करेगा। संसार से मित्रता 4:4 में याकूब कहता है कि संसार से मित्रता करने से हम परमेश्वर के शत्रु बन जाते हैं। जो इस संसार से प्रेम करता है वो व्यभिचारिणी है, क्योंकि वह अपने दूल्हे यीशु मसीह के साथ हुए अपने विवाह की प्रतिज्ञाओं में सच्चा नहीं है। इस संसार के लिए प्रेम होना कितनी गंभीर बात होती है। इस संसार के सिद्धांत और इसकी जीवन शैली परमेश्वर से बिल्कुल अलग है। इसलिए जब आप इस संसार के साथ जुड़ जाते हैं तो स्वयं परमेश्वर के शत्रु बन जाते हैं। संसार से मित्रता का अर्थ ये नहीं है कि आपके संसार में मित्र नहीं हो सकते। वो यहाँ सांसारिक व्यवस्था की बात कर रहा है, वे सिद्धांत जिनके अनुसार यह संसार चलता है। अगर आप यीशु के शिष्य हैं, तो आप इस संसार के जीवन मूल्यों की समझ को अस्वीकार करके परमेश्वर के जीवन मूल्यों की समझ के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे। 4:5 में याकूब कहता है, परमेश्वर उस आत्मा की बड़ी जलन के साथ कामना करता है जो उसने हमारे अंदर रखी है। आत्मा मनुष्य का सबसे गहरा भाग है, एक मसीह का वो भाग जहां परमेश्वर रहता है। जैसे एक पति में ये पवित्र जलन होती है कि उसकी पत्नी सिर्फ उसकी हो, वैसे ही परमेश्वर भी यह जलन रखता है कि हमारी आत्मा पर किसी और का कोई प्रभाव न हो। पवित्र आत्मा बड़ी जलन के साथ
ये लालसा करता है कि हमारी आत्मा भक्ति पूर्वक सिर्फ यीशु को ही समर्पित रहे। वह नहीं चाहता कि वह सांसारिक व्यवस्था से भ्रष्ट हो। अगर हम नम्र और दीन होंगे तो परमेश्वर हमें कृपा देगा कि हम संसार के भ्रष्टता से बचे रह सके। 4:6 परमेश्वर घमंडियों का तो विरोध करता है, लेकिन वह दीन लोगों का साथ देता है। अगर आप नम्र और दीन रहेंगे तो परमेश्वर हमेशा आपका समर्थन करेगा, लेकिन अगर आप घमंडी होंगे तो परमेश्वर हमेशा आपका विरोध करेगा। दूसरे शब्दों में, अगर हम घमंडी होंगे तो परमेश्वर हमें पीछे धकेलता रहेगा। शैतान हमें पहले ही पीछे धकेल रहा है, हमारी शारीरिक लालसाएं भी हमें पीछे धकेल रही है, और अगर परमेश्वर भी हमें पीछे धकेलने लगेगा तो हमारे पास कोई आशा नहीं रहेगी। लेकिन अगर हम नम्र और दीन रहेंगे तो शैतान और हमारी लालसाओं के हमारे खिलाफ होने के बावजूद परमेश्वर हमें आगे धकेलता रहेगा। यही वजह है कि सिर्फ नम्र और दीन लोग ही आत्मिक उन्नति कर पाते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि मसीह जीवन के ये तीन रहस्य हैं: नम्रता दीनता, नम्रता दीनता, नम्रता दीनता। जो आप हैं, जो आप जानते हैं और जो कुछ आपने हासिल किया है, जब इन बातों के बारे में गर्व और आत्म प्रशंसा के विचार आपके मन में आने लगे तो सचेत हो जाए। इन सब की महिमा और श्रेय सिर्फ परमेश्वर को ही दे, वरना परमेश्वर आपका विरोध करने लगेगा। हर समय अपने आप को नम्र और दीन बनाए रखे और कहे, प्रभु मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ तेरी कृपा से ही हूँ। अगर हम पहले पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे और फिर शैतान का सामना करेंगे तो वह हमेशा हमारे सामने से भागेगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। 4:7 लेकिन अगर आप पूरी तरह परमेश्वर के अधीन हुए बिना शैतान का सामना करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर हम परमेश्वर के पास आएंगे तो वह हमेशा हमारे पास आएगा। 4:8 कुछ व्यावहारिक उपदेश। याकूब फिर कुछ व्यावहारिक उपदेश देता है। अपने आप को प्रभु के सामने दीन करो। 4:10 अपने भाई के विरोध में न बोलो और उसका न्याय न करो। 4:11 अहंकार से भरकर ये न कहे कि आज या कल ये काम या वो काम कर डालेंगे। याद रखे कि आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में है, और अगर परमेश्वर आपको कहीं जाने की या कुछ करने की अनुमति देता है तो सारी महिमा उसे ही दे। 4:13-17 याकूब फिर कलीसिया के धनवान लोगों से बात करता है। वो उन्हें चेतावनी देता है कि वे अपने धन पर भरोसा न रखें और अपने मजदूरों को समय पर वेतन चुकाए। मजदूर को उसके मेहनत का पूरा भुगतान न करने द्वारा धनवान न बने। 5:1-4 मैंने ऐसे अनेक विश्वासी देखे हैं जो रविवार के सभाओं में परमेश्वर की स्तुति करते हैं और ऊंची आवाज में प्रचार करते हैं, लेकिन उनके घरों में काम करने वाले सेवकों को उचित वेतन नहीं देते। आप अपने सेवकों को जितना वेतन देते हैं उससे मैं जान सकता हूं कि आप एक विश्वासी व्यक्ति हैं या नहीं। अगर आप कंजूस हैं और आपके घर में काम करने वाले गरीब व्यक्ति के लिए नए कपड़े नहीं खरीद सकते तो सभा में आपकी हालेलुया की पुकारे खोखली है। परमेश्वर कहता है, चुप रह और जाकर उस गरीब के लिए कुछ भला काम कर जो तेरी सेवा करता है। अगर अपने सेवकों का वेतन देने में आप कंजूसी करते हैं तो आपके विश्वास का कोई मूल्य नहीं है। अगर आप अपने सेवकों को सही वेतन नहीं देते और इस वजह से आपके बैंक में कुछ ज्यादा धन जमा हो गया तो वह धन श्रापित हो जाएगा।
वो एक दिन आपका मांस खा लेगा। 5:3 आपके गरीब सेवक की पुकार परमेश्वर तक पहुंच गई है और उसने उनकी ये दुहाई सुन ली है। हे परमेश्वर, देख तेरा ये बेटा मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है, ये मेरी मेहनत का पूरा पैसा नहीं देता है। फिर याकूब उन लोगों से बात करता है जो पीड़ा सह रहे हैं। वह उन्हें उत्साहित करते हुए कहता है कि जैसे एक किसान धीरज से अपनी फसल की बाट जोता है, वैसे ही वे भी प्रभु के आने की बाट जोते रहे। 5:7 धीरज से हम अपने हृदयों को दृढ़ कर सकते हैं। 5:8 फिर वह सब विश्वासियों से कहता है कि कभी एक दूसरे पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर दोष लगाने वालों का न्याय करेगा। 5:9 बहुत कम विश्वासियों ने इस चेतावनी को गंभीरता से स्वीकार किया है। जब हम पीड़ा में हो तो हमें बाइबल के उन नबियों के उदाहरणों पर ध्यान देना चाहिए जिन्होंने धैर्य से सब यातनाएं सही थी। 5:10 फिर याकूब हमें अय्यूब का उदाहरण देता है। 5:11 उसने कितनी पीड़ा सही थी और फिर देखे कि अंत में प्रभु ने उसे कितना आशीषित किया था। प्रभु करुणामय संवेदना से भरपूर है। आपके गरीब होने की वजह से अगर आपको बड़ी पीड़ा सहनी पड़ती है, क्योंकि दूसरे आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, आपका शोषण करते हैं या आपका गलत फायदा उठाते हैं, तो अपना मामला परमेश्वर के हाथ में छोड़ दे। जैसा अय्यूब ने कहा था, जो कुछ मेरे साथ हुआ है वह सब जानता है। अय्यूब 23:10 लिविंग बाइबल। प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहे। प्रभु आएगा और आपके सताने वालों से निपटेगा, और जैसे दोगुनी आशीष उसने अय्यूब को दी थी, वैसे ही आपको भी देगा। हम देख सकते हैं कि याकूब के हृदय में गरीब मसीहों के लिए बड़ी चिंता और संवेदना थी। फिर पत्री के अंत में उसने कुछ और निर्देश दिए। हमेशा सच बोलो। 5:12 अगर तुम पीड़ा में हो तो प्रार्थना करो, अगर प्रसन्न हो तो स्तुति के भजन गाओ। 5:13 अगर बीमार हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ कि तुम्हारे लिए प्रार्थना करें। वे थोड़ा तेल ले जो पवित्र आत्मा का प्रतीक है और तुम्हारा अभिषेक करें और कुछ इस तरह की प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अपने मंदिर को अच्छी दशा में रख। इस देह को अपने जी उठने की सामर्थ का स्वाद चखने दे। आमीन। विश्वास से की गई प्रार्थना से बीमार चंगा हो जाएगा। 5:14-15 जिस विश्वास की यहाँ बात की गई है वो प्राचीन का विश्वास है। बीमार व्यक्ति ने अपने विश्वास को प्राचीन को बुलाने में प्रकट किया है, लेकिन ये भी सही है कि प्राचीन एल्डर अपने विश्वास के उस परिमाण के अनुसार ही प्रार्थना कर सकता है जो उसे दिया गया है। रोमियो 12:3 एक प्राचीन एल्डर जिसमें ज्यादा विश्वास है, यकीनन चंगाई के लिए उस प्राचीन से ज्यादा सामर्थ्य प्रार्थना कर सकेगा जिसमें कम विश्वास है। कई बार बीमार व्यक्ति के किसी ऐसे पाप की वजह से चंगाई रुक सकती है जिसका अंगीकार नहीं किया गया है। अक्सर वो पाप उसे पीड़ा पहुंचाने वाले व्यक्ति को क्षमा न करने का मनोभाव होता है। इसलिए इससे पहले कि रोगी चंगाई पाए, उसे उसके पाप का अंगीकार करने के लिए कहा गया है। 5:16 सारी बीमारी पाप की वजह से नहीं होती, लेकिन पाप की वजह से कुछ बीमारियां बनी रहती है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने पाप का अंगीकार नहीं करेगा तो चाहे बड़े विश्वास वाले कितने भी प्राचीन आकर तेल से उसका अभिषेक करे और प्रार्थना करे, वह चंगा न होगा। और कभी कभी एक ही बार प्रार्थना करना काफी नहीं होता। हमें एलिया की तरह बार बार प्रार्थना करने की जरूरत हो सकती है। 5:17-18 इज़राइल में 3.5 साल तक वर्षा नहीं हुई थी और फिर एलिया के 7 बार प्रार्थना करने के बाद वर्षा हुई थी।
पहला राजा 1844। यह प्रार्थना का संदर्भ चंगाई पाने से है और याकूब हमें एलिया के उदाहरण का अनुसरण करने के लिए कह रहा है। एलिया ने अपने सेवक को यह देखने के लिए भेजा कि वर्षा के आने का कोई चिन्ह नजर आ रहा है या नहीं। सेवक ने 6 बार वापस आकर कहा, नहीं। वो ऐसा ही है जैसे प्रार्थना करने के बाद ये पूछना, क्या चंगाई का कोई चिन्ह नजर आया? जवाब नहीं हो सकता है, नहीं। तो दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार और बार बार प्रार्थना करें। कितने लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं? बहुत ही कम। ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही बार प्रार्थना करते हैं और जब चंगाई नहीं आती तो वे ये कह देते हैं, इस व्यक्ति की चंगाई शायद परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। एक ही बार प्रार्थना करने के बाद एलिया ने वर्षा के बारे में ऐसा नहीं कहा था। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना में आग्रही हो। हमें गंभीरता से ये कहना चाहिए, प्रभु मैं बीमार क्यों हूं? मैं तेरी सेवा करने के लिए स्वस्थ रहना चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि तू मुझे चंगा करेगा ताकि मैं तेरी सेवा कर सकूं। जब आप बीमार हो तो इस तरह प्रार्थना करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक बीमारी चंगी हो जाएगी। कुछ मामलों में जिनके कारण सिर्फ परमेश्वर ही जानता है, वो चंगा नहीं करता। पौलुस को दीन बनाए रखने के लिए उसके देह में चुभे कांटे से उसे चंगाई नहीं मिली थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी इतनी कृपा दी कि वो अपनी दौड़ आनंद के साथ पूरी कर सका। 2 कुरिन्थियों 12:7-9। तिमुथियुस उसके पेट के रोग और दूसरे बीमारियों से चंगा न हो सका था। 1 तिमुथियुस 5:23। लेकिन तिमुथियुस को भी कृपा मिली होगी और उसने भी अपनी दौड़ आनंद के साथ पूरी की होगी। फिर भी अगर सामान्य तौर पर कहे तो परमेश्वर ये चाहता है कि उसकी सेवा करने के लिए हम चुस्त और स्वस्थ रहे। जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, जवान थक जाएंगे, लेकिन जो प्रभु की बाट जोहते हैं वे उकाबों के समान ऊंचाइयों पर उड़ेंगे। यशया 40:31। इसलिए हमेशा प्रभु की बाट जोहने वाले हो। समापन में याकूब हमें उत्साहित करते हुए कहता है कि हम उनके साथ काम करते रहे जो सत्य से भटक गए हैं, कि उन्हें फिर से प्रभु के पास लाया जा सके। 5:20। आइए हम अपने विश्वास को उन सभी कामों द्वारा अभिव्यक्त करें जिनके बारे में याकूब ने अपनी पत्री में लिखा है। आमीन। हे स्वर्गीय पिता, हमारे जीवन में विश्वास को प्रकट करने में हमारी सहायता कीजिए। हमारी वाणी को नियंत्रित करने में और पाप पर विजय पाने के लिए, दूसरों के प्रति प्रेम और अपने जीवन में पवित्रता और धैर्य रखने में हमारी सहायता कीजिए। हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।